खंडवा जिले के सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट के मजदूरों को 13 दिन का ही वेतन दिया जा रहा है। इसके विरोध में मजदूरों द्वारा धरना आंदोलन किया गया। मजदूरों के समर्थन में जिलाध्यक्ष भावेश बल्लवे धरना स्थल पर उपस्थित हुए, मजदूरों के पूर्ण वेतन की मांग की। मुख्य अभियंता वी के कैलासिया ने 3 दिन का समय मांगते हुए कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं 3 दिन बाद पूरी की जाएगी। मजदूर यूनियन वालों का कहना है कि अगर इन 7 दिनों में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम फिर धरना आंदोलन करेंगे। बूंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। गाजी समेत संगठन की ओर से हम लोग यहाँ आए थे। एक्चुअली में संगठन के जितने भी मजदूर भाई हैं हमारे, है ना, और सारे सारे मजदूर भाई जितने भी हैं उनकी पूर्ण सैलरी तो ये लोग दे नहीं रहे। जो भी कोरोना काल आया, इनका सिस्टम बंद हुआ, ये बंद हुआ, सारी चीजें हैं। जब तक सारे स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे तब तक तो मजदूरों को काफी ठीक से इन्होंने ट्रीट किया, लेकिन अभी 13 से 15 दिन की सैलरी ये लोग दे रहे हैं। मजदूर है वो जाएगा कहाँ? ऐसी समस्या पहले भी आई है, पहले भी आई है और निरंतर चल रही है, और इसी कारण से इस तरह का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। तक आपकी यूनियन ने बहुत यानी इनके मजदूरों के खिलाफ कुछ कार्रवाई, इनके तरफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या है आगे, क्या कदम उठाओगे आपके? नहीं, आगे अगर ये डिमांड को नहीं मानेंगे और पूर्ण सैलरी नहीं देंगे, कोई ये नाजायज चीज नहीं मांग रहे हैं, है ना, अगर ये पूर्ण सैलरी और ये सब नहीं देते हैं तो आंदोलन निरंतर चलेगा। भारतीय मजदूर संघ के साथ में इनका पूरा आंदोलन चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।